एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस पे, जो कि है रामोजी फिल्म सिटी। और यस, ये कोई ऐसी वैसी फिल्म सिटी नहीं है, ये है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। तो चलिए चलते हैं। एंड जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रामोजी तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां की टिकट कैसे बुक करनी है। अब टिकट बुक करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं या फिर आप रामोजी की ही ऑफिशियल वेबसाइट ramojifilmcity.com से टिकट बुक कर सकते हैं। एंड रामोजी तक पहुंचने के लिए भी अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने कोई प्राइवेट व्हीकल से अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं रामोजी की पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी। बट वो कैब फैसिलिटी आपको काफी कॉस्टली पड़ सकता है, तो आप जा सकते हैं bestbus.in की वेबसाइट पर, जहां से आपको मिल जाएगी बस सर्विसेज जो कि आपको रामोजी से पिक एंड ड्रॉप दोनों प्रोवाइड कर देंगे। एंड इनका चार्जेस जो रहता है वो अप्रॉक्स 400 रहता है दोनों का आने जाने का मिलाकर। और आप चाहें तो इन्हीं की वेबसाइट से रामोजी की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। टिकट जो है अप्रॉक्स, अगर आप विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लेते हैं तो 1300 to 1400 का पड़ेगा, एंड अगर आप बस सर्विसेज भी लेते हैं तो आपको 1600 to 1700 तक का पड़ सकता है पर पर्सन। अब टिकट चाहे ऑनलाइन बुक करें या ऑफलाइन, आना हमें रामोजी के टिकट काउंटर पे ही है। एंड यहाँ से हमें मिलेगी रामोजी के मेन एंट्रेंस तक पहुँचने के लिए बस। इसके बाद ये बस आपको इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए ले जाएगी रामोजी के अंदर, जहां से शुरू होगा हमारा एक्चुअल का टूर। रामोजी फिल्म सिटी अप्रॉक्स 2000 एकड़ जमीन पर बनी हुई है, तो इसे पैदल घूमना इम्पॉसिबल है। इसलिए रामोजी के अंदर आपको मिलेंगी ये क्यूट क्यूट बसेस, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगी। एंड ले जाते वक्त जो भी रास्ते में सेट मिलेंगे आपको, उसके बारे में वो कुछ कुछ डिटेल्स भी आपको बताते जाएंगे। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक पर्सन सेट है, क्योंकि हमने वहाँ सूर्यवंशम के हीरो ठाकुर की हवेली से लेके गोलमाल के बंगले तक सब कुछ देखा। एंड वीडियो में सब कुछ दिखाने जाएंगे तो मुझे लग रहा है ये वीडियो 2-3 दिन लंबी होने वाली है, तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लोकेशन था जहाँ हम रुके वहाँ। सो गाइस, सारे शहरों और बिल्डिंग्स को पीछे छोड़ के हम आ गए हैं राजा महाराजा की दुनिया में। जी हाँ, हम हैं महाभारत के सेट पे। कहने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बट सेट बहुत खूबसूरत था। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव पे, जो कि है हम सबकी प्यारी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का सेट। एंड ये वही जगह है जहाँ पे सिमरन ने कहा था, जाने दो बाबूजी, जाने दो, जाने दो। क्या कहूँ मैं, बस उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे और अनुज की इतनी खतरनाक एक्टिंग स्किल्स को देखने के बाद आप लोग बेहोश नहीं हुए होंगे एंड रेडी हैं फॉर नेक्स्ट लोकेशन। यप, हम लोग आ गए हैं बाहुबली के सेट पे। एंड गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेट है। अकेले बाहुबली के सेट को घूमने के लिए ही आपको आधे से पौन घंटे की ज़रूरत है, वो भी तब अगर आप फोटो वीडियोस नहीं ले रहे हैं तो। तो गाइज, फाइनली अब बाहुबली के सेट से निकल कर हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। एंड उसके लिए देखिए हमारी बस जो है वो एकदम रेडी है। कुछ भी कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता है गाइज कि अब हम कौन सी कंट्री या कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट में पहुंच चुके हैं, बट जो भी इन लोगों ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। तो बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह हमें दिखाई जाती हैं मूवीज में, उनकी शूटिंग यहाँ पे होती है। एंड हम पहुँचे थे तब भी वहाँ पे कोई शूटिंग चल रही थी, जो कि हमें बिल्कुल भी देखने नहीं दिया गया। अब हम लोग इतना घूमेंगे फिरेंगे तो भूख तो लगेगी ना गाइस, बट डोंट वरी, आपको रामोजी के अंदर ही कई सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से खा सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको कुछ गिफ्ट शॉप्स वगैरह भी मिलेंगी, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। अलग अलग सेट्स को एक्सप्लोर करने के अलावा रामोजी में आपको कई सारे एडवेंचर राइड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइव शोज देखने के लिए भी मिलते हैं, और अब हम उन्हीं को एंजॉय करने जाने वाले हैं।